नमस्कार दोस्तों, स्वर्ण की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। गर्मी का मौसम है, कुछ ना कुछ ठंडा पीने को मन करता ही रहता है। जब भी हम मार्केट जाते हैं, बादाम मिल्कशेक लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज हम इसे घर पर ही बनाएंगे। बादाम खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी है तो आप आज के कोरोना के दौर में अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे उबलने को रख देते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं, ये मैंने हाई फ्लेम पे रखा है ताकि दूध जल्दी से उबल जाए। थोड़ा सा दूध हम ठंडा निकाल लेंगे, हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। दूध हमने उबलने को रख दिया है, इसको हम पिलाते ही रहेंगे जब तक ये ना उबल जाए। जब तक हमारा दूध उबलता है हम बादाम का पेस्ट बना लेते हैं। ये 10-15 बादाम मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, इनको मैंने छील लिया है। जब तक हमारा दूध उबलता है हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। मैंने ये 15-16 बादाम जो भिगोए थे इसको मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। मैं मिक्सी में डाल रही हूँ और ऐसे तो पीसेंगे नहीं, थोड़ा सा इसमें दूध डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। दूध हमारा उबल गया है, अब मैं इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल रही हूँ, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जो दूध साइड में लगता जाएगा हम उसको हाथ की हाथ स्क्रैप करके इसी में डालते रहेंगे। हमें दूध को 20-25% तक रिड्यूस करना है क्योंकि हमें बादाम मिल्क शेक बनाना है। गैस को मीडियम कर देते हैं ताकि दूध ना निकल जाए। अब मैं जो हमने पेस्ट बनाया था वो एक कटोरी में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें रह गया है उसको भी निकाल के इसी में डाल देते हैं। अब मैं इसमें एक चम्मच मिल्क पाउडर, मैंने अमूल का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, और एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। ये सब ठंडे में ही मिलाना पड़ता है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अमूल मिल्क पाउडर और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर दोनों मिल गए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने वेनिला का
पोलसन का कस्टर्ड पाउडर लिया है। गैस को थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं। अब मैं इसमें 3-4 इलायची के पाउडर डाल रही हूँ, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दूध हमारा लगभग रेड्यूस हो गया है। अब मैं इसमें मिल्क का पेस्ट, मिल्क पाउडर और कस्टर्ड मिला हुआ इसमें डाल रही हूँ। हमें इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो साइड में जो लगता जाएगा हम उसको हाथ की हाथ स्क्रैप करके इसी में डालते रहेंगे। मिल्क पाउडर और कस्टर्ड डालने से फटाफट ये गाढ़ा हो जाएगा। मैंने बहुत सारा कस्टर्ड पाउडर नहीं डाला है क्योंकि हम कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, हम मिल्क शेक बना रहे हैं, वो भी बादाम का। थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, इसे बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने पर भी ये बहुत गाढ़ा हो जाता है, लेकिन इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। ये गाढ़ा होने लगा है, अब मैं इसमें थोड़े से बादाम, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से काजू डाल रही हूँ। ये तीनों भी इसके साथ ही अच्छे नरम हो जाएंगे। दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं इसमें 4 चम्मच चीनी के डाल रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी मीठा होता है और ये कस्टर्ड भी थोड़ा मीठा ही होता है। चीनी को थोड़ा इसमें घुलने देते हैं, फिर गैस बंद कर देंगे और इसे बॉल में निकाल लेंगे। चीनी हमारी घुल गई है, अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम 2-3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। बादाम का शेक हमारा ठंडा हो गया है, हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और इसे जग में डाल लिया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। Thank you.
अब मैं इसे थोड़े से बादाम, थोड़ा पिस्ता, थोड़े काजू से गार्निश कर रही हूँ। तो ये थी हमारी बादाम मिल्कशेक बनाने की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।